कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और उस मोड़ पर चलते हैं जहां हमने पीएसएफ के सदर नजीब अहमद के हवाले से एक बात की थी कि पूरे शहर में एक अफवाह फैल गई थी कि नजीब एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह 90 अजीज़ाबाद पर हमला करने जा रहा है। क्या ये बात सच थी या सिर्फ महज एक अफवाह थी? 90 पर कोई हमला हुआ भी था या नहीं, आइए उसकी तफसील जानते हैं। फायरिंग तो ज़रूर हुई थी और अजीज़ाबाद में ही हुई थी, लेकिन ना तो वो फायरिंग नजीब ने करवाई थी और ना ही वो 90 के पास हुई थी। दरअसल वो फायरिंग खालिद शहनशाह ने की थी। किस्सा कुछ यूं है कि पीएसएफ का एक रुकन शाहनवाज शानी की शादी थी और उस शादी में डेकोरेशन के इंतजाम की जिम्मेदारी खालिद शहनशाह ने ली हुई थी। खालिद शहनशाह की रिहाइश अल्ताफ हुसैन की रिहाइशगाह 90 अजीज़ाबाद के बिल्कुल करीब थी। एन उस वक्त उस डेकोरेशन वाले ने मना कर दिया कि मैं लियारी में जाकर डेकोरेशन का इंतज़ाम नहीं कर सकता और आपसे माजरत चाहता हूँ। इस मौके पर तल्ख कलामी हुई, बात बढ़ती चली गई और बात बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर फायरिंग तक पहुँच गई और ये तमाम वाकया 90 से सिर्फ चंद गलियों के ही फासले पर था, जिससे तमाम लोगों में ये तासुर चला गया कि 90 पर फायरिंग कर दी गई। झगड़ा ज़रूर हुआ था, नजीब के करीबी साथियों का हुआ था, लेकिन इसमें नजीब का कोई लेना देना नहीं था। नजीब का कत्ल कैसे हुआ? नजीब के कत्ल के बारे में जानने से पहले नजीब की शख्सियत का एक पहलू जानते हैं कि वो 5 वक्त का नमाजी था। ये 7 अप्रैल सन 1990 15 रमज़ान का वाकया है। उस दिन नजीब अपने घर के करीब ब्लॉक आई नॉर्थ नाजमाबाद अपनी ब्लैक ओपन जीप में अपने 3 दोस्तों हारून रशीद, खालिद डालमिया और नवेद जुबैरी के हमरा कहीं से इफ्तार करके पहुंचा ही था कि उसकी जीप को घेर लिया गया और चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई। नजीब के जिंदा बच जाने वाले दोस्त नवेद जुबैरी के बकौल ऐसा लग रहा था कि गोलियों की बारिश हम पर चारों तरफ से हो गई है। 7 अप्रैल की लगभग 8-9 बजे का दरमियान का टाइम था। अफ्तार से वापस आ रहे थे हम, गाड़ी में 4 लोग, नजीब भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बराबर बैठा था, पीछे खालिद डालमिया और एक हमारा जो कि हमारा रोज का रास्ता था। लाइट गई हुई थी, अंधेरा था पूरे इलाके की, अचानक हम पे 3 तरफ से फायरिंग हुई और फायरिंग इतनी शदीद थी, ना कभी ऐसी फायरिंग हमने फिल्मों में देखी है, ना कभी ऐसा सुना। बाद में आप लोगों को पता लगा होगा कि 200 से ज़ायद गोलियां उस गाड़ी पे मारी और उसमें हम 3 बहुत शदीद जख्मी हुए थे। नजीब भाई को 2 गोलियां लगी थी, मुझे लगी थी, खालिद डालमिया को 3। इस फायरिंग के नतीजे में 3 जख्मी हो गए। मौके पर सिक्योरिटी इदारे के लोग भी पहुंचे। नवेद जुबैरी का ये कहना था कि हमने उस वक्त इलाके के SHO इंस्पेक्टर बहादुर अली को फ़ोन किया, उनसे रब्ता किया तो इंस्पेक्टर बहादुर अली ने हमें अस्पताल पहुँचाने का बंदोबस्त किया। नवेद जुबैरी का ये कहना था कि एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो खालिद डालमिया स्ट्रेचर पर था और मैं और नजीब अपने पैरों पर खुद चलकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे। हालांकि हम जख्मी थे लेकिन फिर भी हम खुद अपने पैरों पर चल कर गए थे और नजीब बात भी कर रहा था और कह रहा था, यार ये सब जिंदगी का हिस्सा है, सब ठीक हो जाएगा, देख लेंगे। नवेद जुबैरी ने मज़ीद बताया कि जब हम वार्ड में दाखिल हो गए और हमारा इलाज शुरू हुआ तो 11 अप्रैल सन 1990 4 दिन के बाद नजीब की मौत की तस्दीक हो गई। जिस वक्त नजीब पर हमला हुआ था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौरे इख्तदार में थी और हमले के बाद पूरे शहर में, पूरे सिंध भर में जलाओ घेराव शुरू हो गया था। नजीब पर हमला उस वक्त उस दौर में कोई मामूली बात नहीं थी, हालांकि ना तो कोई सोशल मीडिया था उस वक्त और ना कोई मीडिया था उस दौर में। ज़राए इब्लाग इतना कारगर नहीं था, ना कोई मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, बस लैंडलाइन के फ़ोन होते थे या PTV या फिर रेडियो हुआ करता था। नजीब के कत्ल पर पहली बार ऐसा हुआ कराची शहर में, उस रोज़ चेन वाली बख्तरबंद गाड़ियां मंगवाई गईं अमन व अमान को काबू करने के लिए।
ذرائع ابلاغ کا یہ دعویٰ تھا کہ نجیب کی موت گولیوں کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی موت ہسپتال میں 4 دن بعد ہوئی تھی۔ اس میں ابہام پایا جاتا ہے جس کی وجہ آج تک نہیں پتا چل سکی۔ نجیب کے قتل کا مقدمہ۔ نجیب میں ایک خصوصیت تھی، وہ اس دور میں جب ایم کیو ایم کراچی شہر میں بہت فعال تھی، خصوصاً ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، وہ اپنی جیپ میں بیٹھ کر عزیز آباد 90 کے پاس چلا جاتا تھا اور وہاں اپنی جیپ میں تیز آواز پر پیپلز پارٹی کے ترانے لگا دیتا تھا، اور کبھی وہ مکہ چوک پر کھڑا ہو کر وہاں بھی نعرے بازی کیا کرتا تھا۔ نوید زبیری نے کہا کہ ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایم کیو ایم کے علاقے میں کھڑے ہیں، اور نجیب کی دلیری کی انتہا یہ تھی کہ وہ نعرے لگاتے ہوئے یہ انتظار کرتا تھا کہ کوئی حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دے۔ جب نجیب کا قتل ہو گیا تو ایم کیو ایم کے رہنما خالد بن ولید اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین دونوں پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد بن ولید کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، بعد میں وہ ضمانت پہ چھوٹ گئے۔ اس ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس ایف آئی آر کا کیا ہوا اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب خالد بن ولید بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ منسٹر بھی رہے تھے، لیکن ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اور نجیب کے قتل کے مقدمے کا کیا ہوا اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں۔ آج لوگ نجیب کو یاد تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے نجیب کو یاد رکھا جانا چاہیے تھا۔ جیداری، بہادری اور دلیری کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو نجیب کی طرح اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نجیب کا مقدمہ بے شک سرد خانے کی نظر ہو گیا، اور اس کے قتل کے ملزمان اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچ سکے، لیکن طلبہ تنظیمیں جب جب اپنے عروج و زوال کی جانب جائیں گی تو انہیں اپنے مرحوم رہنما سید نجیب احمد کا نام ضرور یاد آئے گا۔